Hello everyone, welcome to the Riva classes. So we are on the third question of exercise 12.1, in which a question says, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. So हमको इस question में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक toy है जो कि cone की shape में है जिसको hemisphere पर mounted किया गया है. Like this. इसकी total height हमको given है 15.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कोन बोथ आर सेम विच इज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. अगर हम इस कोन और हेमिस्फीयर दोनों के अगर कोई सरफेस एरिया को प्लस कर दें तो हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया of cone plus curved surface area of hemisphere, in which curved surface area of cone is equal to pi rl plus curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. So now one thing is, यहाँ पे आपको l है question में cone के which is slant height, and यहाँ पे आपको पूरे toy की height दी है which is 15.5 सेंटीमीटर. तो हमें slant height means इस cone की height हमें क्या है find करनी पड़ेगी. So the height of this cone will be 15.5 minus 3.5 which is equals to 12 सेंटीमीटर. अब l find करने के लिए formula होता है l is equal to under root r square plus h square, in which r is same 3.5 centimeter for both cone and hemisphere plus height of the cone. अभी हमने find की 12.0 means 12 centimeter. So 3.5 into 3.5 is equal to 12.25 plus 12 का square होता है 156.25. अब इसे हमें root से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कैसे find करते हैं हम 156.25 इस पे बार लगाया एक बार यहाँ और एक बार यहाँ. सो नाउ 1 इंटू 1 इज 1 कैंसिल हो गया. नाउ 56 1 प्लस 1 2. अब इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करें 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 विच इज़ 44. सो नाउ ये 2 टाइम्स में जाएगा 44. 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 1 2 5. यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम. अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 24 हो गया ये यहाँ पे 24. इफ़ अगर 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 5 फाइव 25 कैरी 2 5 फोर 10 11 12 5 टू 10 1 11. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में. सो 1 2 2 5. सो ये जो वैल्यू वंडर रूट से बाहर आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.5. तो हमारी जो स्लैंट हाइट हो गई विच इज़ 12.5 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, इन विच पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 है एंड हमने अभी फाइंड किया विच इज 12.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 137.5 प्लस 77 विच इज गोइंग टू बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ this toy. So this is it, question number 3 of the exercise 12.1. Thank you and have a nice day.